नमस्कार दोस्तों, BSA ट्रिकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप सभी लोगों के लिए रेलवे NTPC और ग्रुप डी की तैयारी के लिए साइंस का प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आए हैं। आज आपके साथ में जो 26 मई 2019 को RRB JEE का 4 बजे जो पेपर हुआ था, उस पेपर में आए हुए सभी विज्ञान के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या उनका लेवल था, कैसे कैसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, वही सारे क्वेश्चन आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे 1400 क्वेश्चन की सीरीज थी। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है जो कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर दोस्तों आप लोग हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से देख लीजिएगा। अगर आप लोग बिल्कुल शुरू से देखना चाहते हैं साइंस की वीडियो को टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, तो मैंने चैप्टर वाइज आपको एक एक क्वेश्चन प्रोवाइड कराया है। उसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। तो सभी लोग जाकर सबसे पहले हमारी साइंस की पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस क्लास को, आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। सभी लोग बताएंगे खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। राइट आंसर होगा दोस्तों यहां से आपका लैक्टिक अम्ल। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने, डायबिटीज मेलिटस को नियंत्रित करने के लिए आईलेट्स ऑफ हैंगरलैंड्स द्वारा जो है किस हार्मोन का उत्पादन किया जाता है। अब आप सभी लोग जानते हैं राइट आंसर क्या होगा आपका, इंसुलिन होगा। तो डायबिटीज मेलिटस को नियंत्रित करने के लिए आईलेट्स ऑफ हैंगरलैंड्स दीपिकाएं द्वारा यहाँ पर इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन किया जाता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ से आप लोग का इंसुलिन। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह नहीं है। देखिए AB और O, यही तो ब्लड ग्रुप होता है, 4 ब्लड ग्रुप हैं, तो सी वाला नहीं होगा। राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसके बाद देखते हैं दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक पदार्थों का अपघटन नहीं है, अपघटन का कारण है। व्हाट कॉज डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, बताएंगे सभी लोग राइट आंसर क्या होगा। सही जवाब है आपका जीवाणु। ओके, तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहां से आपका जीवाणु। और मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुए, एक ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ पर ये बताना है निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में नहीं किया जाता है। तो ये ईंधन है आपका यूरेनियम। राइट आंसर होगा दोस्तों आपका यूरेनियम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बढ़ता। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं आप सभी को बता दूँ रेलवे एग्जाम में आवर्त सारणी से एक या फिर दो क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ से आएगा आप लोग का संयोजकता यानी कि वैलेंसी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टोज जो है किससे और ग्लूकोज से बना होता है। लैक्टोज जो है आपका ग्लैक्टोज, ठीक है ना, गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बना होता है, ये आपका लैक्टोज। इसके बाद दोस्तों देखते हैं आप लोग का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्नेहक द्वारा जो है क्या काम किया जाता है। दोस्तों स्नेहक द्वारा क्या काम किया जाता है, जो सतह होती हैं, द इंटरलॉकिंग ऑफ द इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस, यानी कि सतहों की अनियमितताओं को इंटरलॉकिंग करने के लिए इसका काम जो है ये है। तो राइट आंसर होगा यहाँ से आपका बी वाला। इसके बाद देखते हैं दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, ये आप सभी के सामने, अब आपको बताना मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में जो है किसके आधार पर व्यवस्थित किया गया है, तो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के। तो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से आपका बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर व्यवस्थित किया गया। तो द्रव्यमान के हिसाब से इसको व्यवस्थित किया गया है, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है इसको, और आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। चलिए अब आप लोग बताएंगे विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके सामने, कौन सा अभिकर्मक स्थानीय या फिर सामान्य संवेदना हानि उत्पन्न करता है। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं राइट आंसर यहाँ से आपका होगा ऑप्शन ए, निश्चेतक। सही जवाब होगा यहाँ से आप लोग का निश्चेतक। इसके बाद देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग के पेपर में आए हुए हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पर RRB के जब मैं पेपर ढूंढ रहा था तो मैंने यहाँ पर 2-3 पेपर पढ़े, इसमें क्वेश्चन कम से कम 2-3 बार रिपीट हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रजनन कोशिका है, और आप सभी लोग जानते हैं इसका नाम क्या है। सही जवाब है आपका युग्मक, ठीक है ना। राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से आप लोग का युग्मक।
इसके बाद देखते हैं दोस्तों आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप सभी को दोस्तों बताना है, ब्रह्मांड में सभी द्रव्यमानों के बीच लगने वाले आकर्षण बल, विशेष रूप से पृथ्वी की सतह के पास स्थित पिंडों पर पृथ्वी के द्रव्यमान द्वारा लगाए जाने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। एग्जैक्ट आंसर आएगा आप लोग का गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखते हैं दोस्तों आप लोग का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रहा आप सभी के सामने। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन भी आप लोग के परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोग दोस्तों एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल बी सीरियस रहिए, क्योंकि मैं सिर्फ आपको वो क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ जो पेपर में आए। मेरा टारगेट ही यही है कि सारे पेपर रेलवे के कंप्लीट करा दें, क्योंकि रेलवे के क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं वो मैं सारे आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा नियम दर्शाता है कि किसी स्थिर ताप पर किसी धातु के तार से बनने और बहने वाले विद्युत धारा आई और उसके सिरों के बीच विभवांतर वी के अनुक्रमानुपाती होता है? तो यह है ओम का नियम, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग भी जानते हैं आर बराबर होता है आप लोग का वी अपॉन आई। इसके बाद देखते हैं दोस्तों आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर्स? एग्जैक्ट आंसर होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। सही जवाब होगा दोस्तों यहां से आपका प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद देखते हैं दोस्तों आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश जो सात रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका प्रक्षेपण जो है क्यों होता है? तो दोस्तों यहां पर आप सभी को यह बताना, जब श्वेत प्रकाश जो कि सात रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका प्रक्षेपण क्यों होता है? तो ये जो है होता है क्यों, श्वेत प्रकाश के सात रंग कांच के प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं, इसलिए होता है ऐसा। तो राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन बी वाला। आप देखते हैं दोस्तों आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोस्तों आप सभी को यहाँ पर ये बताना है, पानी में निर्मित अम्लीय विलयन में विद्युत प्रवाहित होती है क्योंकि उनमें जो क्या उत्पन्न होते हैं, उनमें आप लोग के हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। तो सही जवाब होगा यहाँ से आपका हाइड्रोजन आयन। चलिए फिलहाल दोस्तों अब देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज? ठीक है ना, कैलेस्टियल बॉडीज मतलब दोस्तों क्या है, आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी, लंबी दूरियों को माप की इकाई क्या है? तो यह है प्रकाश वर्ष, यानी कि लाइट ईयर। ओके, इसके बाद देखते हैं आप लोग का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रहा आप सभी के सामने। दोस्तों एक जलीय विलयन लाल लिटमस के विलयन को नीला कर देता है, निम्नलिखित में से किसका विलयन जो मिलने पर यह परिवर्तन निष्प्रभावी हो जाएगा? तो सही जवाब होगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, जो जलीय विलयन है जो कि लाल लिटमस के विलयन को, लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसमें अगर आप लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है विलयन जो है मिलाने पर यह परिवर्तन जो है निष्प्रभावी हो जाएगा। सही जवाब आएगा आप लोग का HCl। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दाद का कारण है? अब आपको बताएं निम्नलिखित में से दाद का कारण क्या है? देखिए दाद जो होता है फंगस इन्फेक्शन होता है और फंगस को हिंदी बोलते हैं फफूंदी। तो राइट आंसर होगा यहाँ से हमारा डी वाला, फंगस यानी कि फफूंदी। इसके बाद देखते हैं दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, आपको यहाँ पर ये बताना है ऋणात्मक आवेशित आयन को क्या कहा जाता है? दोस्तों अब आप सभी लोगों को यहाँ पर ये बताना है ऋणात्मक आवेशित आयन को क्या कहा जाता है। तो चलिए फिलहाल दोस्तों आप सभी को बताते हैं, एग्जैक्ट आंसर होगा यहाँ से आपका ऋण आयन। ऋणात्मक आवेशित आयन को बोला जाता है यहाँ पर ऋण आयन, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ और कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आते रहते हैं अक्सर। तो बोर का नियम, देखिए बोर की कक्षाओं को स्थिर क्यों कहा जाता है, बोर की कक्षाओं को स्थिर क्यों कहा जाता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ बोर्स ऑर्बिट के बारे में। देखिए इलेक्ट्रॉन्स इन देम हैव फिक्स्ड एनर्जी, क्योंकि उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉनों में निश्चित ऊर्जा होती है, इसलिए दोस्तों जो है बोर की कक्षाओं को स्थिर कहा जाता है। तो यहाँ से आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। और देखते हैं दोस्तों आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप सभी के सामने। अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी को यह बताना है सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है ना, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलयन की अभिक्रिया किसका एक उदाहरण है? तो किस अभिक्रिया की उदाहरण है दोस्तों, यहाँ से आपका राइट आंसर आ जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्वि विस्थापन अभिक्रिया इसका एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ से आप सभी का आंसर जिसका भी ए आ रहा बिल्कुल सही है, बाकी जिसका आंसर गलत आ रहा है बिल्कुल ध्यान दीजिए, राइट आंसर होगा आप लोग का यहाँ से ए वाला। इसके बाद देखते कांसा, कांसा जो है किसके मिश्र धातु है, कॉपर और टिन की। तो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से आपका तांबा और टिन के मिश्र धातु है जो कि आपका कांसा दे रखा है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। और जाते जाते हमारा ये आज का अंतिम प्रश्न है ये आप सभी के सामने। अब आपको यहाँ पर ये बताना है आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है?
बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिसका परमाणु क्रमांक एक होता है और ये आप लोग का है हाइड्रोजन। तो फिलहाल दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आप लोग के साथ में आरआरबी जेई के आरआरबी का ग्रुप डी का पेपर हुआ है, एएलपी का पेपर हुआ है, एनटीपीसी का पेपर हुआ है, मैं जितने भी आपके आरआरबी एग्जाम जो पेपर कंडक्ट कराता है वो सारे प्रीवियस पेपर अगर आपके साथ डिस्कस करूँ तो आप लोग बता सकते हैं मुझे, मैं सारे पेपर कंप्लीट कराऊंगा, और इसी से मैं पूरी सीरीज मैं 1400 क्वेश्चन की प्रोवाइड करा रहा हूं। तो बहुत ही हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो हर वीडियो से जितनी मैंने अब तक वीडियो बनाई है रेलवे एग्जाम के लिए, हर वीडियो से एक क्वेश्चन बिल्कुल उठ सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो मेरा आप लोगों से यहाँ पर आग्रह यह है कि आप सभी लोग दोस्तों जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हो एक बार आरआरबी की प्लेलिस्ट देखिए, आपको यहाँ पर आरआरबी का जीएस का पार्ट मिल जाएगा, जीएस की पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें अब तक के जीएस के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं सारी की सारी, हर वीडियो से दो क्वेश्चन आने बिल्कुल तय हैं, एक या फिर दो क्वेश्चन। साइंस की प्लेलिस्ट मैंने अलग बना दी है, मैथ्स की प्लेलिस्ट हमारी अलग है और रीजनिंग की प्लेलिस्ट अलग है। तो ये चार सब्जेक्ट जो आपके रेलवे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे प्रीवियस ईयर के पेपर एक एक करके कलेक्ट किए हैं आप लोग के द्वारा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और भी मैं आपको ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड कराता रहूँगा जब तक कि पेपर हमारे खत्म नहीं होते, और जब पेपर आपके खत्म हो जाएंगे फिर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, और जब आपकी एग्जाम डेट डिक्लेयर हो जाएगी उसके बाद लाइव टेस्ट भी आपका कराया जाएगा। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर मिलते हैं दोस्तों कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, बने रहिए दोस्तों आप लोग अपने चैनल बी एस सी ट्रिकी क्लासेस में, तब तक ले दोस्तों नमस्कार।